गंदा लग रहा है। देखिए कर्णी और घातांक जो आपका एक चैप्टर था उसी में कुछ आगे और क्वेश्चन कराते हैं उसी टाइप के हैं। कर्णी और घातांक कराया था आपको, दो क्लास हुई थी, तीसरी क्लास है। जैसे देखो क्वेश्चन है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू डॉट 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 कहाँ तक गया है इनफिनिटी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, इसको हम मान लें एक्स, ये जो पूरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या है एक्स, ठीक। एक्स के बराबर हो गया। अब आप ये देखो अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू ये इनफाइनाइट तक है ना। तो अगर मैं ये देखूं कि अंडर रूट टू प्लस इसके बाद जितना है यहां से और इनफाइनाइट तक, इसको भी क्या कर दें एक्स कर दें, एक्स कर दें, क्यों ऐसे समझो। मान लो कि ये इनफाइनाइट तक है यानी आगे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। कई मतलब मान लीजिए कि बाल्टी भर के पानी है उसमें से एक चम्मच निकाल लिया आपने तो कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसका यहाँ से लेकर और इनफाइनाइट तक वैल्यू क्या रहेगी एक्स रहेगी। अब ये देखो अंडर रूट है तो दोनों तरफ क्या कर दें दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग कर लें। अगर वर्ग करें तो एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग क्या हो जाएगा दो प्लस एक्स। इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो बराबर ये माइनस दो और ये माइनस एक्स, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद का मतलब जिसमें एक्स नहीं लगा है, उसके ऐसे फैक्टर करिए जिनको घटाने पर, ये माइनस चिन्ह है तो घटाने पर इसके बराबर आए, यानी दो के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर कितना आए एक, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा तो क्या माना जाएगा एक, सबका मालिक, ठीक है। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस दो माइनस एक हो जाएगा, दो माइनस एक एक होगा और दो गुणा एक दो होगा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस दो बराबर जीरो, ठीक। सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस दो गुणा एक्स दो एक्स और ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ये हो गया। यहां से देखो इन दोनों से कॉमन एक्स ले लें तो एक्स माइनस टू आया और यहां से कॉमन एक ले लें इन दोनों से, कुछ तो कॉमन है नहीं तो एक कॉमन आएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू बराबर जीरो। ये हुआ एक्स माइनस टू, दोनों में कॉमन है ये आ गया और तो यहां बचा एक्स और प्लस वन बराबर, ये हुआ। अब देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो एक बार इसे जीरो के बराबर रख दो और एक बार इसे जीरो के बराबर रख दो तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स माइनस टू बराबर जीरो तो एक्स वैल्यू कितनी दो और एक्स प्लस वन बराबर जीरो तो एक्स की वैल्यू माइनस। अब आप ये देखो यहां पर प्लस है ना तो माइनस में तो आंसर नहीं हो सकता, माइनस में तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा दो, आंसर क्या हो जाएगा दो, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आप ये सोचो कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में होगा और इसके लिए इतना सब कुछ बवाल करोगे, ये सब बवाल नहीं करना, बस आपको क्या करना है कि जो ये नंबर है दो इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिनका अंतर एक हो, जिनका अंतर क्या हो एक। तो देखो दो के अगर फैक्टर करोगे तो दो गुणा एक होगा, दो गुणा एक होगा, इनका अंतर कितना आ रहा है एक, एक एक अंतर आ रहा है और हमारा अंतर ही होना चाहिए क्या एक। अगर अंतर एक आ गया तो देखो जो बड़ी संख्या है ये आंसर तब आएगा जब बीच में चिन्ह किसका होगा प्लस का, ये वाला, ये जो चिन्ह है ना ये अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी यानी कितनी दो, और अगर माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा एक, कब जब चिन्ह क्या हो माइनस।
ठीक है, चिन्ह क्या हो माइनस, ठीक है। देखो जैसे ये देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूं पहले और फिर इससे निकालेंगे। तो देखो अगर सॉल्व करो आप तो ये x बराबर अंडर रूट 12 माइनस x हो जाएगा। यहां से इधर की संख्या क्या मान ली जाएगी x, देखो 12 माइनस x, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस x हो गया। इसको इधर ले जाए तो ये आगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस एक्स माइनस 12 बराबर जीरो, ये आ गया। ये माइनस है इधर जाके प्लस कर देगा, ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब 12 के x से फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पर कितना आए एक, एक है ना। तो देखो 12 के फैक्टर ये क्या होंगे 4 × 3 = 36 12, और घटाने पर कितना आ रहा है एक। तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 − 3 − 12 बराबर जीरो, ये हो जाएगा। यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x − 3x − 12 बराबर जीरो, ठीक। देखो यहां से x कॉमन लो तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लें तो x प्लस 4 बराबर जीरो। x प्लस 4 ये आ गया और ये x माइनस 3 बराबर जीरो। अब ये दोनों अलग अलग जीरो के बराबर रखें, दोनों अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो x माइनस 4 बराबर जीरो, इसका मतलब x बराबर कितना माइनस सॉरी x प्लस 4 है, x प्लस 4 बराबर जीरो तो x बराबर ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा। इसको रखोगे x माइनस 3 बराबर जीरो तो x बराबर 3, ठीक। अभी देखो अंडर रूट में 12 है, घट रहा है लगातार, तो आंसर किस में आएगा प्लस में, आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखो इस सॉल्ट वाले से देखो, ये 12 दिया है संख्या, 12 दिए, यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे 4 × 3 और माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर क्या हो जाएगा 3, और अगर प्लस चिन्ह होता तो आंसर क्या हो रहा होता 4। समझ में आया। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि यहाँ पर संख्या है उसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना हो एक, और बीच में अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी और बीच में अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो 72 + 72 + 72 ... अब बताओ इसका आंसर बता दोगे कितना आएगा 9। देखो 72 फैक्टर होंगे 9 × 8 तो आंसर क्या हो जाएगा 9, बड़ी संख्या। समझ में आया ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस 9। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर इस वाले प्लस की जगह में माइनस कर दूं, ये माइनस कर दिया है ना, प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस, तो आंसर क्या आएगा 8, छोटी वाली संख्या, ठीक है। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अभी जो दो क्वेश्चन कराए उनमें क्या था, एक ऐसे फैक्टर बन जा रहे थे जिनका अंतर एक हो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसके फैक्टर नहीं बनते है ना, पहले तो वो आपके लिए आएगा नहीं, अगर जिसके फैक्टर नहीं बनना है वो नहीं आएगा, आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए पिछले में बना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये एक इक्वेशन बनी थी। इस इक्वेशन के बाद में क्या था कि इसके ऐसे फैक्टर करने थे जिसका अंतर एक आए, है ना, यही था। अब अगर ये नहीं बनना, फैक्टर नहीं बनना है, तो इसमें एक श्री धराचार्य फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा श्री धराचार्य, श्री धराचार्य होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है श्री धराचार्य। इससे क्या निकलते हैं, रूट निकलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू इसका गुणांक, b की वैल्यू इसका गुणांक और c की वैल्यू इसका गुणांक, ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे और इससे दो आपके क्या निकल आएंगे, रूट निकल आएंगे, वही आंसर होगा, ठीक है ना, वो आपके लिए आएगा, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं,
जैसे ये क्वेश्चन है दो, ये देखो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो इसको हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, लास्ट वाले अंक, ठीक है ना। लास्ट वाला अंक क्या है, रूट 196, अंडर रूट में 196। तो देखो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14, ठीक, प्लस ये वाला वर्गमूल खत्म हुआ, प्लस ये कितना है, 211, अंडर रूट में ये आ गया। इससे पहले जो भी है वो ऐसे ही सेम उतार देते हैं, ठीक। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 225, 4 और 1 5 2 225। और 225 का अगर वर्गमूल लें तो कितना आएगा, 15, ये प्लस 66, ये अंडर रूट हो गया। इस वाले अंडर रूट की वैल्यू तो कितनी आ गई, 15 और प्लस 66, प्लस ये ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक। अब देखो 66 और 15 81, 66 और 15 81, और 81 का वर्गमूल 9, प्लस इस पूरे के वैल्यू 9 आ गई, और प्लस में कितना है, 16, प्लस अंडर रूट 164, ठीक है। 16 और 9 25, 16 और 9 25, अंडर रूट में देखो 164 प्लस 25 का वर्गमूल 5, इस पूरे का 5 आ गया। तो देखो 164 प्लस 169 हो गया, 164 प्लस 5 169, और 169 का वर्गमूल कितने का, 13, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 13। ये देखो 169 जो है वो किसका वर्ग है, 13 का, है ना। इसको ऐसे लिखोगे तो ये वर्ग से ये हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ना। बस हमें ये देखना है, देखो 196 किसका वर्ग है, 14 का, 196 का वर्गमूल कितना, 14, तो 14 और 111, 225, है ना, 225, ये 15 आ गया, 15 में 66 जोड़ा 81, 9 आया यहाँ तक की वैल्यू, और 9 16 25, 5 आ गया, और 5 में फिर 164, तो 169 कितना आ गया, 13। सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे ऐसे दिमाग लगाओ, देखो 14 और 211, 225, 225 का वर्गमूल 15, 15 और 66, 81, 81 का 9, ऐसे यहीं के यहीं लिखते जाओ शॉर्ट में। देखो ये दोनों मिलके 15 का हो गया, 14, 225, 15 का हो गया, 15 और 66, 81, यानी 9 आ गया, 9 और 16, 25, यानी 5 आ गया, 5 और 169 हुआ, और 169 का कितना आंसर, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ये है, ये देखो 225 कितने का हुआ, 15 और 154, 169 हुआ, 169 मतलब यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, 13 और 8, 121 किसका, 11 और 25, 36 किसका, 6 का, 6 और 10, 16, और 16 का वर्गमूल 4 आ गया, ठीक। अब नीचे देखो क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, 2 चौक 2 दूनी 4, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है ना। चलो पूरा सॉल्व करता है इसे, देखो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस इन अंडर रूट 154 प्लस 15, 225 का कितना लिख लिया, 15, ठीक। यहां से देखो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 154 और 15, 169, और 169 का वर्गमूल 3, ठीक। आगे देखो 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 108 और 13, 121, और 121 का वर्गमूल 11, ठीक है, 121 हुआ, 121 का वर्गमूल 11, अंडर रूट 10 प्लस
ये नीचे वाला चल ही रहा है, नीचे वाला बार बार नहीं लिख रहे, ठीक है ना, बिल्कुल एंड में जाके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो टू टू दो है ही है, तो क्यों बार बार वो करें, ठीक है ना। देखो 36 हुआ और 36 का 6, तो अंडर रूट 16 हुआ, अंडर रूट 16 का कितना 4, अंडर रूट 16 का कितना आ गया 4। अब देखो बट्टे में यह चल रहा है क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 यानी 2 आ गया, 2 का क्यूब रूट, घनमूल, घनमूल कितना होता है 8 का, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसको आप ऐसे लिख दो कि 2 की पावर 3, ये 3 से 3 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और 2 दूनी 4, यानी जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आया। यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2, तो x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। देखो ये अलजेब्रा का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, या फिर इसे आप सार्स एंड इंडिसेस, कर्डे और घातांक में भी रखो। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप पहली कोशिश ये करिए कि इस x की कोई ऐसी वैल्यू रख दे जिसको, जो ये इसको संतुष्ट कर दे, यानी x की वैल्यू यहाँ रखो यहाँ रखो, और दोनों की वैल्यू रखने के बाद ये कितना आ जाए 2, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 रख दू, 1 रखेंगे तो ये देखो 1 प्लस 1 बट्टे 1, 1 बट्टे 1 को 1 ही लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2, यानी इस ये एल एच एफ और ये आर एच एफ दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 पर ये जो समीकरण है ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये संतुष्ट हो रहा है तो x की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि x की वैल्यू, x की जगह 1 की वैल्यू 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 की वैल्यू 2n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखो 1 की वैल्यू कुछ भी रख दो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आएगा 2, ठीक है ना, समझ में आया। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, यदि ये दिया है कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, तो यहां पर कितनी भी वैल्यू रख दे, कितनी भी जो उसके मन में आए, हमेशा वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है ना, हमेशा वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक, समझ में आया। जैसे देखो ये दिया है इसने, प्रूव करके देख लो कि जैसे x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दिया है, ठीक है, और ये पूछे कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, आंख मीच के रख दो, ठीक है, सॉल्व करके दिखाऊं। देखो कल मैंने बताया था कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर n दिया है, शॉर्ट ट्रिक जो कराया था आपके लिए उसमें दिया था, तो ये जो q की वैल्यू होती है ये क्या होती है, n क्यूब माइनस 3n, ये होती है n क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3n, 3 उड़ा 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 6, इतना आंसर, ठीक है ना। स्क्वायर में भी देख लो, देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दे तब भी 2 ही आएगा आंसर, इसका वर्क करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 ए बी, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू, इसका भी वर्क हो जाएगा कितना 4, इसकी तो वैल्यू निकलवाई है हमने, और ये x से x के अंदर ये 2 प्लस का है, इधर जाके क्या कर देगा माइनस, माइनस तो 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 दिया है तो x की वैल्यू में कुछ भी लगा के दे दे इस टाइप में, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो अगर यहीं पर दे देता माइनस 2, क्या दे देता, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, हो सकता है कि 2 ना दे के माइनस 2 दे दे, है ना। तो देखो क्या होगा, अब जैसे माइनस 2 दे दिया, माइनस 2 दे दिया तो x किस पे संतुष्ट होगा, माइनस 1 पर, क्योंकि देखो ये होगा माइनस 1 प्लस माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कि x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1, इसका मान क्या होगा, देखो ध्यान देना, ऐसे देखो कि 1 अपॉन सॉरी माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n 1 की पावर 2n प्लस 1, ये होगा माइनस 1 की पावर, देखो
ये जो 2n है ये सम संख्या होगी, और सम संख्या में एक और जोड़ दिया विषम हो जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस वन की पावर विषम संख्या आई, और विषम संख्या आई तो वैल्यू क्या होगी, वन प्लस, ये भी विषम आएगी तो ये भी माइनस वन, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस टू। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर यहीं पर ये कहता कि x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखो ये माइनस वन की पावर 2n होगा प्लस 1 अपॉन माइनस वन की पावर 2n होगा, तो ये 2n एक सम संख्या होगी। किसी भी संख्या सम हो या विषम हो, अगर उसमें आप दो का गुणा कर देते हो तो वो सम संख्या बन जाती है। जैसे तीन विषम संख्या है, दो का गुणा करो छह हो गई, छह कैसी संख्या है, सम। ठीक है, अगर छह सम संख्या है, इसमें दो का गुणा करो बारह, कैसी संख्या आई, सम। यानी किसी भी संख्या में अगर आप दो का गुणा कर दोगे तो वो कैसी संख्या आएगी, सम संख्या। और माइनस वन की पावर सम यानी कितनी वैल्यू आएगी, एक, प्लस वन अपॉन माइनस वन की पावर सम संख्या एक, एक ये एक ये, आंसर कितना आया, दो। ठीक है ना, कब आंसर बदल गया, जब उसने पावर में अंतर किया। माइनस पावर है तो माइनस का रहेगा, और अगर सॉरी अगर विषम पावर है तो माइनस का रहेगा, और सम पावर है तो बदल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है। इसने कहा कि यदि रूट टू बराबर 1.414 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो रूट टू की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.7321। ठीक है ना, ये वैल्यू तो आपको याद भी होंगी, याद ना हो तो वो देता है कभी कभी क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं दिया है तो ले रख सकते हो अपनी तरफ से। तो देखो इसको सॉल्व करो, रूट आठ को देखो, ध्यान रखो, करो थोड़ी सी दिमाग दो कि ये रूट टू की वैल्यू दी है, इसका मतलब यहां से रूट टू कहीं ना कहीं बनना होगा, है ना। अब देखो इसको बनाओ तो ये वर्गमूल हमें किसका लेना है, आठ का, तो आठ तो किसी का वर्ग होता नहीं, आठ किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन आठ के साथ में एक चार लगा है जो एक वर्गमूल वर्ग है, तो चार गुणा दो लिखना, कोई दिक्कत। यानी कि इसका मतलब है कि आप अंडर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने की कोशिश करो। 32 16 गुणा दो, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसमें देखो माइनस तीन, 64 गुणा दो, 64 दूनी 128, इसको आप लिख दो चार रूट 25 गुणा दो, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है और रूट। अब यहां से देखो ये हो जाएगा दो रूट टू प्लस चार, ये वाला दो बाहर ले लिया हमने, चार का वर्गमूल दो, दो बाहर आ गया, दो रूट टू, ये देखो चार हो गया, ये चार बाहर आएगा, चार दूनी आठ, रूट टू माइनस 64 का वर्गमूल आठ, आठ बाहर आ जाएगा तो आठ दिया 24 रूट टू माइनस, ये पांच बार आया सॉरी प्लस, प्लस है ये, यहां से पांच बार आया, पांच चौक रूट टू, ये हुआ। अब प्लस प्लस वाले जोड़ दो, माइनस वाले घटा दो, तो देखो दो और आठ दस, दस और बीस तीस, तीस हुआ। ठीक है, तीस रूट टू माइनस 24 रूट टू माइनस आठ दिया 24 रूट टू, ये हुआ। अब देखो 30 में से 24 गया 6 रूट टू, 6 गुणा रूट टू की वैल्यू 1.414 ये होगा, 6 का गुणा कर दो, 6 चौक 24, हासिल का दो, 6 का 6 दो 8, 6 चौक 24, हासिल का दो, 6 का 6 दो 8.484। ठीक है, समझ में आया। ये देखो अगर वर्गमूल दिया है, वर्गमूल का चिन्ह दिया है, इसका मतलब अंदर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या छुपी होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालनी है। जैसे देखो 8 में 4 छुपा था, 32 में 16, 128 में 64 और 50 में 25, और जब ये बाहर निकली तो बाहर जो भी संख्या प्रेजेंट है उससे क्या कर दिया, गुणा। ठीक, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है। अब देखो अगर आप इसका वर्ग करो ए स्क्वायर का, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा, अपॉन में कुछ अंडर रूट में रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ही बी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएं तो आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। यहाँ पर केवल ab की कमी है ना, अगर एक ab और होता, टू ab होता है, एक ab है, एक और होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, ऐसा होता ना। तो अगर हम ये करें कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये दिया है, इसमें ए बी जोड़ दें और ए बी घटा दें, कोई दिक्कत, जितना जोड़ा उतना घटा दिया। ऐसे ही यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है, ठीक है। देखो ए बी तो जोड़ दिया और ए बी घटा दिया, ठीक। और यहां देखो, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर टू ए बी जोड़ दें और टू ए बी घटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेकिन कि हमारा काम क्या बना, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी टू ए बी हो गया, यहां तक इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, इन तीनों को मिला दें, इन तीनों को मिलाएं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए बी थ्री ए बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी ये निकालना है, ए प्लस बी निकाल दो, अंडर रूट पांच प्लस एक बट्टे अंडर रूट पांच माइनस एक गुणा अंडर रूट पांच माइनस एक बट्टे अंडर रूट पांच प्लस एक, इन दोनों का गुणा होगा। तो ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी वर्गांतर बन गया, वर्गांतर बन गया, ये अंडर रूट पांच प्लस वन बटे अंडर रूट पांच माइनस वन अंडर रूट पांच माइनस वन, अच्छा ये प्लस है, देखो ए प्लस बी है तो ये दोनों जोड़ दिए, जोड़ दिए तो ये हो गया अंडर रूट पांच माइनस वन अंडर रूट पांच प्लस वन, ये हुआ। देखो इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा तो अंडर रूट पांच प्लस वन का इस और अंडर रूट पांच प्लस वन ये दोनों एक जैसे हैं तो ये बन जाएगा अंडर रूट पांच प्लस वन का होल स्क्वायर, इन दोनों का गुणा होगा तो अंडर रूट पांच माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक। अब देखो सॉल्व करो, अंडर रूट पांच का स्क्वायर पांच प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस टू रूट पांच इंटू एक, समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे ही है पांच प्लस एक माइनस टू रूट पांच इंटू एक अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, वर्गांतर बन गया, यानी अंडर रूट पांच का वर्ग पांच माइनस एक का वर्ग एक, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट गए। कटने के बाद देखो तीन पांच और एक छह, पांच और एक छह, छह और छह बारह बट्टे पांच माइनस एक चार, काट दो कितना आ गया एक वैल्यू आ गई, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा हमें अभी और क्या चाहिए, ए बी और चाहिए, अगर ए बी का निकालें, ए बी निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पांच प्लस एक बट्टे अंडर रूट पांच माइनस एक गुणा अंडर रूट पांच माइनस एक बट्टे अंडर रूट पांच प्लस एक, ये होगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस वन ये प्लस और ये माइनस कट गए, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, ये ए बी की वैल्यू और ये ए प्लस बी की वैल्यू, दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। अब रख दो इसमें, ये वाला इक्वेशन है ना, यही तो सॉल्व करना है हमें, इसमें रखो, देखो इसमें अगर आप वैल्यू रखो तो क्या होगा, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है तीन, यानी तीन का वर्ग माइनस ए बी की वैल्यू एक, ए बी की वैल्यू कितनी आई है अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी तीन का वर्ग माइनस थ्री इंटू एक, थ्री ए बी है तीन इंटू एक हो गया गुणा, देखो तीन तिया नौ, तीन का वर्ग नौ माइनस एक आठ बट्टे तीन तिया नौ, नौ में से तीन गए छः, दो से काट दो, दो चौक आठ दो तिया छः, यानी जो हमारा आंसर आया वो कितना आया चार बट्टे, ये क्या हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है इसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर इन दोनों का अंतर बराबर है, इन दोनों का क्या है अंतर बराबर, तो देखो यहां अंतर दो दो दो, सबका अंतर बराबर है, ठीक है,
सबका अंतर क्या है? बराबर। तो ध्यान रखना कि जो संख्याओं का योग करेंगे, संख्याओं का योग, जिसका योग ज्यादा होगा, जिसका योग क्या होगा? ज्यादा, वो होगी छोटी संख्या। जिसका योग ज्यादा होगा वो होगी छोटी संख्या, और जिसका योग कम होगा वो कैसी होगी? बड़ी। ठीक है, जिसका योग ज्यादा होगा वो छोटी, जिसका योग कम होगा वो बड़ी। तो यहां देखो सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी? रूट पांच माइनस रूट थ्री। रूट पांच माइनस रूट, क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? आठ। और सबसे छोटी की बात करेगा तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी? रूट उन्नीस माइनस रूट। अब ये हो कैसे रहा है वो एक सेकंड में आप ये भी समझ लो, हो क्यों रहा है ये। ठीक है, देखो एक संख्या से सॉल्व कर रहा हूं केवल। जैसे ये है रूट उन्नीस माइनस रूट सत्रह, ये है इसका दो कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है कि चिन्ह बदल के उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ अंडर रूट उन्नीस प्लस अंडर रूट सत्रह बट्टे अंडर रूट उन्नीस प्लस अंडर रूट सत्रह, ये कर दिया। ये तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं होना इसका। लेकिन अगर आप इनका करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो अंडर रूट उन्नीस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? उन्नीस माइनस अंडर रूट सत्रह का स्क्वायर सत्रह बट्टे अंडर रूट उन्नीस प्लस अंडर रूट सत्रह, यह आया दो बट्टे अंडर रूट उन्नीस प्लस अंडर रूट सत्रह, यह हो गया। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार इनका भी दो आएगा, तेरह और दो आएगा, इसका भी दो आएगा और इसका भी दो आएगा। जब इनके अंश बराबर हैं, जब इन सबके अंश क्या है? बराबर। तो अंश जब बराबर हो तो अगर किसी संख्या में छोटा बड़ा देखना है तो अगर बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो कम आएगा नंबर। बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो कैसा आएगा? कम आएगा। ये देखो बड़ी संख्या है, इसका भाग दो में लगाएंगे तो बहुत कम आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब कैसी हो जाएगी? छोटी संख्या। ज्यादा है ना ये, तो इसका मतलब कैसी हो जाएगी? छोटी संख्या, है ना। अब ऐसे ही देखो ये आएगा, ये कम है योग। जब किसी संख्या में कम का भाग लगाएंगे तो ज्यादा आएगा, यानी कैसी संख्या आएगी? बड़ी संख्या। ठीक है ना, समझ में आया। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? रूट पांच माइनस रूट तीन, और बड़ी छोटी कौन सी हो जाएगी? रूट उन्नीस माइनस रूट सत्रह। ठीक, समझ में आया। चलिए।